गुम है किसी के प्यार में की पाखी को पहली बार फैंस काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि ऐश्वर्या शर्मा की परफॉर्मेंस ने कुछ इस तरह से जीत लिया फैंस का दिल, और यहां तक कि जो हेटर्स हैं उन्होंने भी पाखी यानी कि ऐश्वर्या की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की है। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट, और यहां पर गुम है किसी के प्यार में आप देख रहे हैं जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है। अब विराट और सई का फेस ऑफ होने वाला है, विनायक और सभी की बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ सई जो है वो विनायक से मिल चुकी है, विनायक का इलाज कर चुकी है, और आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सई को पता चल जाएगा कि जो उसके फादर हैं यानी कि विनायक के फादर हैं वो विराट हैं, क्योंकि आईडी कार्ड में कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है सई को। फिलहाल इन सब के बीच जो है वो सोशल मीडिया पर पाखी की जमकर तारीफ हो रही है। जी हाँ, कहानी में लंबा लीप आ चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हो चुके हैं नील भट्ट, और इसके बाद कहानी जो है वो पूरी तरीके से बदल गई है। लीप के बाद सई और विराट के बच्चों की एंट्री हो चुकी है, और सई और विराट का रिश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है। विराट को लगता है कि सई अब इस दुनिया में नहीं है, वहीं सई भी विराट से बहुत नफरत करती है। इन सभी ड्रामे के बीच सोशल मीडिया पर पाखी जमकर वाहवाही बटोर रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, पाखी यानी कि ऐश्वर्या शर्मा की लेटेस्ट परफॉर्मेंस को देखकर फैंस जो है वो बहुत खुश हो गए हैं। लेटेस्ट परफॉर्मेंस ने फैंस का दिल जीत लिया है। हालांकि लीप के बाद मेकर्स ने अभी तक ऐश्वर्या शर्मा को स्पेस नहीं दिया है, यानी कि पाखी जो है वो नजर नहीं आ रही है, सिर्फ सई और विराट ही दिख रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर ऐश्वर्या शर्मा सोशल मीडिया पर लगातार छाई हुई है। टीवी के गलियारे में फैंस लगातार ऐश्वर्या शर्मा के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। एक फैन ने ऐश्वर्या शर्मा की तारीफ करते हुए लिखा, पाखी हमें आप पर नाज है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में पाखी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ऐश्वर्या शर्मा के सीन ने मेरा दिल जीत लिया। ऐश्वर्या शर्मा वाकई एक शानदार एक्ट्रेस हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, पूरे एपिसोड में ऐश्वर्या शर्मा का हर एक सीन दमदार था। ऐश्वर्या शर्मा का दर्द टीवी पर सच लग रहा था। इस बार तो ऐश्वर्या शर्मा ने मुझे इमोशनल कर दिया। आप देख सकते हैं फैंस के इतने सारे रिएक्शंस। आपने पहली बार ही देखा होगा कि हर कोई पाखी की जमकर तारीफ कर रहा है, क्योंकि यहां पर पाखी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे पता चल चुका है कि उसने काफी कुछ गलत किया। उसने एक बच्चे को उसकी माँ से छीना, एक पति को उसकी पत्नी से छीना, एक पत्नी को उसके पति से छीना, तो ये सारी चीजें कर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है। और उसके बाद भी आप सबने देखा ही कि किस तरीके से पाखी इतनी ज्यादा पछताती नजर आ रही है। यहाँ पर आपको पता ही है कि जब सई घर छोड़कर जा रही थी तो उस वक्त भी पाखी बहुत ज्यादा परेशान थी। विराट को उसने कहा भी था कि वो सई से बात करे, फोन भी दिया था, लेकिन जो विराट है वो कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं था। वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था, सई का नाम भी सुनना नहीं चाहता था। ऐसे में अब विराट को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। विराट जो है वो लगातार सई को मिस कर रहा है। इस पूरे सालों में उसने पाखी को कोई स्पेस नहीं दिया है। 8 साल का लीप आप सब देखेंगे, और इस दौरान आप सब देखेंगे कि जो पाखी है उसे नहीं मिला है विराट का प्यार। फिलहाल पाखी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली जो पाखी है उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ है, और यहाँ पर जो फैंस हैं वो पाखी के लिए जमकर उनकी तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं, यानी कि ऐश्वर्या शर्मा की जमकर तारीफ हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।